हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार व्याकरण के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में स्वागत करता हूँ। आज व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में संज्ञा, वर्ण और भाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए जब समझते हैं कि शब्द क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकारों को विस्तारपूर्वक से चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं शब्द क्या है। सबसे पहले समझते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ण तो जानते ही हैं। और वर्णों का जब सार्थक मेल सही जब मेल होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे हम क म और ल, कमल को हम अगर सही ढंग से लिखे तो बनेगा कमल, और म क और ल। तो यहाँ पर देखिए वर्ण का सही तरीका से मिल नहीं हुआ तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम शब्द कहेंगे। तो इसीलिए कहा गया डिफिनेशन है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, रमेश, गणेश, अखबार, गमला इत्यादि। यहाँ पर कमल है तो निश्चित अर्थ प्रकट कर रही है, रमेश है तो निश्चित अर्थ प्रकट करती है, गणेश है तो निश्चित अर्थ को प्रकट करती है, अखबार है तो निश्चित अर्थ को प्रकट करती है, गमला है तो निश्चित अर्थ को प्रकट करती है। इन सभी शब्दों को व्याकरण की भाषा में हम शब्द कहते हैं। शब्द का वर्गीकरण, चलिए समझते हैं शब्द के वर्गीकरण। तो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया। याद रखिएगा, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया, चार आधारों पर। सभी आधारों को जानते हैं। हिंदी शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बनावट या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उसके बाद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशा शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब जानेंगे सभी के बारे में, विस्तार पर चर्चा करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़। अब समझेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, योग शब्द क्या है और योगरूढ़ शब्द क्या है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब चलिए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। चलिए अब जानते हैं कि सार्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द क्या है, परिभाषा, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। कुछ ऐसा शब्द है जिनका निश्चित अर्थ निकलता है तो ऐसे शब्द को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पानी, कमल, माला, ये सब ऐसा शब्द है जिसका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द को हम व्याकरण की भाषा में सार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द जिन शब्दों से सही व सार्थक अर्थ न निकलता हो, जिन शब्दों से सही व सार्थक अर्थ न निकलता हो तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, जिन शब्दों से सही व सार्थक अर्थ न निकलता हो तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। कुछ ऐसा शब्द होते हैं जिसका सही और सार्थक अर्थ नहीं निकल पाता है तो व्याकरण की भाषा में उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे टक, मक, बानी, बंडा, ये सब ऐसा शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है तो ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद है बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। चलिए अब समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है, इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता हो, वैसे शब्द
जिनके टुकड़े करने पर, वैसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं व्याकरण में जिनको टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ न निकलता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़ शब्द। जैसे जल, तो जल का कोई निश्चित अर्थ होता है, इसका अर्थ निकलता है। जल को अगर संधि विच्छेद किया तो जल, ज प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं निकला लेकिन जल का अर्थ निकला। इसका कान, कान को संधि विच्छेद करें तो का प्लस न, कान का अर्थ होती है जबकि का और न का कोई अर्थ नहीं होती है। नल, तो नल का अर्थ होती है जबकि न और ल का कोई अर्थ न होती है। तो व्याकरण की भाषा में ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़ शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या है? तो जो शब्द दो या दो से अधिक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उसको खंडों में विभाजित किया जाता है, और जो शब्द में विभाजित किया जाता है उन शब्दों का भी अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्द को बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय का भी एक निश्चित अर्थ होता है, विद्या और ला दोनों का निश्चित अर्थ होता है, तो ऐसे शब्द को व्याकरण की भाषा में यौगिक शब्द बोलते हैं। विद्यासागर, विद्यासागर, तो विद्यासागर का भी अर्थ होता है और विद्या प्लस सागर दोनों का अर्थ होता है, ऐसे शब्द को व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। क्या? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहा जाता है। योग रूढ़ शब्द। उसके बाद है बनावट या रचना के आधार पर तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या? तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किए जाते हैं तो उसे यौगिक योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कुछ शब्द जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द ही होते हैं लेकिन उसका प्रयोग जब विशेष अर्थों में किया जाता है ना, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, तो गजानन गज और आनंद से बना है गजानन, तो यहाँ तक देखा जाता है यह यौगिक शब्द है लेकिन गजानन का प्रयोग विशेष अर्थ में गणेश के रूप में किया गया, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद है लंब प्लस उदर मिलकर बना लंबोदर। क्या? लंबोदर। तो यहाँ तक देखा जाता है यह यौगिक शब्द है लेकिन लंबोदर का प्रयोग विशेष अर्थ गणेश के रूप में किया जाता है, ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं शब्द का अगला आधार। चलिए दोस्तों अब समझते हैं क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब सबसे पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है उनके समान, यानी जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे संस्कृत शब्द है जिनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत के में जिस तरीका से होता है उस तरीका से हिंदी में होता है, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल को हिंदी में भी जल बोलते हैं और संस्कृत में भी जल बोलते हैं, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अग्नि, अग्नि शब्द, इसको हिंदी में भी अग्नि बोलते हैं और संस्कृत में भी अग्नि बोलते हैं। वृक्ष, वायु, कमल, दुग्ध, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। उसके बाद है तद्भव शब्द। चलिए अब जानते हैं कि तद्भव शब्द क्या है। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, कुछ ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है। कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन उसका प्रयोग भाषा के विकास के आधार पर बदल गया है, वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, यह संस्कृत शब्द इसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है लेकिन भाषा के विकास हुआ तो अग्नि से आग कर दिया, तो ऐसे शब्द को हम बोलेंगे तद्भव शब्द। पुत्र संस्कृत शब्द है और भाषा के विकास के आधार पर पुत्र से बेटा बन गया, तो यह हो गया तद्भव शब्द। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बना है, याद रखिए तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बना है। कहा जाता है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप को ही तद्भव शब्द कहा जाता है। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द, तो वे शब्द जो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय प्रभाव वश बनकर प्रचलित हुए हैं तो उसे देशज शब्द कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होता है जो स्थानीय अथवा
क्षेत्रीय प्रभाव बस बनकर प्रचलित हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द, यानी बोलचाल की भाषा में जो शब्द की उत्पत्ति होती है और प्रचलित हो जाती है, तो ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कटोरा, लोटा, गड़बड़, लकड़ी, ठठेरा, इन सभी शब्दों को हम व्याकरण की भाषा में देशज शब्द कहते हैं। अगला विदेशज शब्द, चलिए अब समझते हैं कि विदेशज शब्द क्या है। जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है, याद रखिएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं विदेशज शब्द। जैसे अंग्रेजी से कौन कौन सा शब्द लिया गया हिंदी में जो प्रयोग होता है, फिल्म है, इंजन है, स्कूल है। अरबी से कौन कौन सा शब्द लिया है, कानून है, अखबार है, आजाद है। फारसी से कौन कौन सा शब्द लिया है जो हिंदी में प्रयोग होता है, दरवाजा, आदमी, नमक। पुर्तगाली से कौन कौन सा शब्द लिया गया है जो हिंदी में प्रयोग होता है, संतरा, कमरा, गमला। तुर्की से कौन कौन सा शब्द लिया गया है, कुर्ता, बहादुर, तोप। चीनी से कौन कौन सा शब्द लिया गया है, पटाखा, चाय, लीची। और सारे शब्द है, कोई तीन ही एग्जाम्पल सबके दिए हैं समझने के लिए। चलिए अब अगले अर्थों पर चलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण, प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाए। शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए अब समझते हैं कि विकारी शब्द क्या है, इनकी परिभाषा की ओर चलते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। फिर से समझते हैं, ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मोटा लड़का आता है, मोटे लड़के आते हैं, मोटी लड़की आती है, यहाँ वचन के अनुसार बदल दिया, लिंग के अनुसार बदल गया, तो ऐसे शब्द को बोलेंगे विकारी शब्द। अब समझते हैं अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की तेज चलती है, वे तेज चलते हैं, हम तेज चलते हैं, तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन न हुआ, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। आज समझे कि शब्द क्या है, शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है, और सभी का विस्तारपूर्वक चर्चा करें। फिर अगले वीडियो में व्याकरण के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।